हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं थोरेक्स के एनाटॉमी, उसमें चैप्टर नंबर 18 है, वॉल्यूम 1 बीडीसी का, जिसमें हार्ट का टॉपिक है और उसको हमने डिफरेंट वीडियोस में स्प्लिट किया है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। नाउ दैट्स गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम जो हार्ट का कंडक्शन है, जो वायरिंग है हार्ट की, इसे मैं वायरिंग इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें से करंट गुजरता है गाइज, और इसी की वजह से आपका हार्ट बीट करता है। सो सारा एक्चुअली जो लाइफ का गेम है वो सारे का सारा आज की वीडियो में छुपा हुआ है। तो गौर से देखिए इस वीडियो को और देखते हैं कि वो वायरिंग क्या है। पहले एज यूजुअल जैसे मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं ताकि बात इजीली समझ में आ जाए। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस इंपॉर्टेंट डायग्राम, फिर टेक्स्ट पढ़ाता हूं। इट विल बी एन इजी बीजी स्टफ फॉर यू। सो हियर वी हैव द हार्ट व्हिच इज सेक्शनड फॉर यू, और अंदर आपको ये जो येलो वायरिंग दिख रही है, ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, नेचर ने बड़ा जबरदस्त सिस्टम आपकी बॉडी में रखा है। हार्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट? हार्ट के जो सेल्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड कार्डियोमायोसाइट्स, यानी दिल के, कार्डियो यानी दिल के, मायोसाइट्स वो सेल्स जो कि मसल सेल्स हैं। सो पूरा हार्ट बेसिकली मसल से मिलके बना है ना, स्ट्राइएटेड मसल से। लेकिन नेचर ने आपके हार्ट में कुछ मसल्स के फाइबर्स ऐसे रखे हैं जिनका काम कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। यूजुअली पूरे हार्ट का काम कॉन्ट्रैक्शन है ना बॉस, यही काम है ना हार्ट का। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल में ब्लड आता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाहर ब्लड जाता है। सो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर कार्डियक मसल्स। लेकिन कुछ सेल्स कार्डियक मसल्स के नेचर ने ऐसे रखे हैं जिनका काम कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इनफैक्ट उनका काम है एक्साइटेबिलिटी, यानी दीज आर सुपर एक्साइटेबल टाइप ऑफ हार्ट सेल्स। तो पहली तो बात यह है कि ये जितनी भी वायरिंग आपको येलो में नजर आ रही है, ये एक्चुअली कार्डियक मसल फाइबर्स ही हैं। सो दीज आर कार्डियक मसल फाइबर्स, बट दे आर स्पेशलाइज्ड, दे आर मॉडिफाइड, दे आर यू नो चेंज्ड टाइप ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स। अब ये कॉन्ट्रैक्शन का काम नहीं करते बल्कि कंडक्शन का काम करते हैं, पूरे हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हार्ट बीट कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके। सो दैट्स सॉर्ट ऑफ द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपको पता होना चाहिए, यानी आपके हार्ट में ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है ये कोई अलग दुनिया से आई हुई मखलूक नहीं है, ये इसी हार्ट के सेल्स हैं, बट दीज सेल्स हैव बीन मॉडिफाइड। और ये जो मॉडिफाइड सेल्स हैं इनका काम है पूरे हार्ट को कंडक्टेंस देना, इलेक्ट्रिसिटी आम जबान में प्रोवाइड करना ताकि आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। अब इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं। एक इसमें ये जो गोल आपको येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज अप इन द राइट एट्रियम। सो यू नो दिस सेक्शन इज द राइट एट्रियम ऑफ योर हार्ट। सो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कैवा के बिल्कुल नीचे एंट्री के एक बंच ऑफ जो आपको सेल्स नजर आ रहा है, दैट बिग स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड। अब ये जो एस ए नोड है या साइनो एट्रियल नोड है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर ऑफ योर हार्ट, यानी आपके हार्ट की जो पेस सेट होती है, जो बीट है आपकी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, उसका सारे का सारा जो सहरा है वो एस ए नोट के सर जाता है। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेस मेकर। यहां से इम्पल्सिस जनरेट होती हैं, फिर एट्रियल मसल से वो ट्रेवल करके आती हैं इस नोड में, विच इज राइट अबव द इंटरमस्क्यूलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इज कॉल्ड द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ये एट्रिया और वेंट्रिक के जंक्शन पर है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। यहां पे वो जो नर्व कंडक्टर सिग्नल्स हैं यहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद एक बंडल इस तरह से निकल रहा है इस एवी नोड से, एंड इट इज ट्रैवलिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं ना, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए काफी तेजी से यूज कर रहा हूं। देखो, ये एक वेंट्रिकल है, ये एक वेंट्रिकल है, दिस इज यू नो दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो मस्कुलर सेप्टम है, दिस इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम, ओके। अब इसका जो अपर पार्ट होता है, दैट इज द मस्कुलर नहीं बल्कि मेम्ब्रेनस पार्ट, और नीचे का जो पार्ट है वो है बड़ा मस्कुलर हैवी सा पार्ट। सो जो मेम्ब्रेनस पोर्शन है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, उसमें ये जो फाइबर्स हैं स्पेशलाइज्ड कार्डियोमायोसाइट्स के, इसको नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। और ये बंडल नीचे आके फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, ओके। सो देयर इज एन साइनो एट्रियल नोड,
then the impulses pass from the right atrium to the atrioventricular node. Then from the atrioventricular node, there is a single AV bundle which divides into right bundle branch and left bundle branch. ठीक है, जो left bundle branch है, it goes down in the interventricular septum और फिर ventricular wall में it gives rise to a lot of small fibers. इसी तरह right side पे है, right side पे जो right bundle branch है, it goes down and in the right ventricular wall it gives a lot of branching fibers which are called the Purkinje fibers basically, and also ek branch jati hai in the moderator band. Aapko yaad hai jab right ventricle ka structure padha raha tha tab ye baat maine aapko batai thi ki ek muscular band hai from the interventricular septum to the anterior wall of the right ventricle, uske andar se ek branch guzarti hai conducting system ki, so that is called the moderator band. Ye basically pura current system hai. So impulses yahan generate hoti hain, aise node mein transfer होती हैं, यहां से ट्रांसफर होती हैं नीचे राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और इन इंपल्सिस के नतीजे में ये पूरा हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है. नाउ द इंपॉर्टेंट बिट ये है कि अगर आपके इस कंडक्टिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होता है सो आपका हार्ट नॉर्मली बीट नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल किसी वजह से साइनो एट्रियल नोड बीट नहीं करता. अब साइनो एट्रियल नोड का अपना एक रेट होता है, जो आपका हार्ट रेट है 72 बीट्स पर मिनट का, दैट्स बिकॉज ऑफ द साइनो एट्रियल नोड. लेकिन इफ दिस इज नॉट फंक्शनिंग देन वॉट विल हैपन कि एक्चुअली एवी नोड टेक ओवर कर लेता है और ये अपने हिसाब से इंपल्सिस जनरेट करना शुरू कर देता है. इसका रेट डिफरेंट है. अगर ये काम नहीं करता तो पुरकंजी फाइबर्स बीट करवाते हैं हार्ट को, इनका रेट डिफरेंट है. दैट इज बेसिकली इज व्हाट वी कॉल्ड एरिथमिया, जिसका मतलब है कि हार्ट का आपका जो रेट है वो नॉर्मल साइनस रिदम पर नहीं है. नॉर्मल साइनस रिदम का मतलब है 72, 80, 90 बीट्स, जो नॉर्मल आपकी बीट्स हैं पर मिनट, और वो तब होगा जब साइनो एट्रियल नोड सही से काम कर रहा होगा. सो इफ द नॉर्मल साइनो एट्रियल नोड इज फंक्शनिंग द हार्ट रेट इज कॉल्ड द साइन रिदम या नॉर्मल साइनस रिदम. अगर उसके अलावा कोई हार्ट रेट है दैट इज कॉल्ड एरिथमिया, एंड एरिथमिया कैन बी डेंजरस बिकॉज आपके हार्ट से ब्लड बाहर निकलने यानी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए ये नॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट बहुत जरूरी है. सो नॉर्मल रेट एंड नॉर्मल रिदम आर इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर हार्ट. अगर आपकी रेट और रिदम डिस्टर्ब हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड एरिथमिया, एंड दैट्स अ सीरियस प्रॉब्लम. इतना सीरियस प्रॉब्लम कि इट कैन also cause death, so that can be a fatal problem. ठीक है, so अब discuss करते हैं, देखते हैं text में what has been written in the conducting system of your heart. So the conducting system is made up of myocardium that is specialized for initiation and conduction of cardiac impulses. यानी actually ये myocardium ही है. These are the muscles of your heart and they are specialized muscle fibers. They are specialized muscle fibers. Their job is not contraction, but their job is excitation of the whole heart. Okay, ये बात हमने ऊपर भी अभी discuss की. ये स्पेशल फाइबर्स हैं कार्डियक मायोसाइट्स ही, और इनका काम डिफरेंट है. ओके, देयरफॉर इनका स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होता है. दे आर अ लिटल फाइनर, दे आर अ लिटल थिन, और दे आर नॉट मेंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन. अब जो प्राइमरी पेस मेकर है, जो आपकी मेन बैटरी है हार्ट की, दैट इज कॉल्ड द एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, ऑल्सो कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. इट जनरेट्स इंपल्सिस एट द रेट ऑफ 70 to 100 बीट्स पर मिनट. दिस इज वॉट वी कॉल्ड द साइनस रिदम, दैट्स normal rate of your heart, okay, that actually initiates the heartbeat. Aur ye kahan maujood hota hai? It is present in the right atrium or superior part of the right atrium mein, jahan superior vena cava enter hoti hai, at the point of the sulcus terminalis. Okay, isse jo impulses generate hoti hain wo kahan jati hain? To the AV node through the atrial wall. Phir jo AV node hai, it is smaller, it is situated in the lower and the dorsal part of the atrial septum, just above the opening of the coronary sinus, basically at the junction of the atria and ventricle. So on the right side at the junction of the atria and the ventricle, here is what we have the AV node, or upper right atrium mein maujood tha SA node. So SA node se impulses aayengi AV node mein, aur AV node ke baad ye jati hain atrioventricular bundle mein. Ye jo bundle hai, it's also called the bundle of His,
एंड द बंडल ऑफ हेस डिसेंड्स डाउन इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के मेम्ब्रेनस पार्ट में, ठीक है, और फिर वो इमीडिएटली डिवाइड हो जाता है इनटू राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच. सो ये दो बंडल ब्रांचेस में डिवाइड होता है और ईच बंडल ब्रांच देन गिव राइज टू अ लॉट ऑफ स्मॉल फाइबर्स विच आर कॉल्ड पुरकंजी फाइबर्स एंड दे फॉर्म सब एंडोकार्डियल प्लेक्सेस. नाउ द पुरकंजी फाइबर्स कैन ऑल्सो जनरेट हार्ट बीट विच इज 20 to 35 beats per minute. आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा आपका कंडक्टिंग सिस्टम है, इस कंडक्टिंग सिस्टम में हार्ट बीट जनरेट करने की कैपेसिटी है. सबसे जो ज्यादा हार्ट रेट जनरेट करने की कैपेसिटी है दैट लाइज विद इन द साइनोएट्रियल नोड. अगर ये काम नहीं करेगा तो एवी नोड कैन जनरेट हार्ट बीट, अगर ये काम नहीं करेगा तो पुरकंजी फाइबर्स कैन जनरेट द हार्ट बीट. ओके, सो साइनोएट्रियल नोड to AV node, to bundle of Hayes, to right bundle branch, left bundle branch and Purkinje fibers. So, ये आपका conducting system है. अब इस conducting system को obviously काम करने के लिए oxygen चाहिए, यानि blood supply चाहिए. तो कहां से आती है blood supply इस conducting system की? The whole conducting system except the left branch of the AV bundle is actually supplied by the right coronary artery. So, majority of the conducting system is supplied by the right coronary artery apart from the left bundle branch. Okay, अच्छा फिर एक बात आपको याद रखनी है कि in around 40% of cases left coronary artery actually supplies to the sinoatrial node. So this is an important part, क्योंकि अगर किसी भी वजह से आपकी coronary arteries block होंगी, right coronary artery या left coronary artery, तो actually आपके conducting system को oxygen नहीं मिलेगी, आपका conducting system disturb होगा और heart rate और rhythm disturb होंगे, arrhythmia हो सकता है. अक्सर स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता हूँ कि यार एरिथमिया की कॉजेज बताओ, तो वो मुझे कंडक्टिंग सिस्टम के तो 10 मसले बता देते हैं लेकिन ब्लड सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं बताते. वो कहते हैं सर ब्लड सप्लाई का कंडक्शन से क्या ताल्लुक है? भाई गहरा ताल्लुक है. अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो आपका कंडक्टिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, एरिथमिया हो सकता है. ओके, सो दैट ब्लड सप्लाई इज एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. कुछ क्लिनिकली बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, पढ़ते हैं. डिफेक्ट्स और डैमेज टू द कंडक्टिंग सिस्टम कैन रिजल्ट इन कार्डियक एरिथमियास. तो ये बात तो सिंपल है, मैंने आपको बता भी दी. एक्सेप्ट फॉर द पार्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द एवी बंडल व्हिच इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, द होल कंडक्टिंग सिस्टम इज एक्चुअली सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी. इसीलिए जो राइट कोरोनरी आर्टरी है या इवन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, उनके अगर कोई वैस्कुलर लीजन्स होंगे, कोई भी ऑब्लिट्रेशन होगी, थ्रॉम्बस होगा, एम्बुलस होगा, एरिथमिया हो सकता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो बैक टू दिस डायग्राम गाइज, कंडक्टिंग सिस्टम के लिए आपको ये डायग्राम मास्टर करनी है, ये डायग्राम आपको लाजमी याद होनी चाहिए. एंड वॉट इज हिडन इन दिस डायग्राम? द साइनोएट्रियल नोड इज योर पेसमेकर. यहां से सिग्नल्स जाएंगे टू द एवी नोड, टू द बंडल ऑफ हेस, टू द राइट बंडल ब्रांच, टू द लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड टू द पुरकंजी फाइबर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. आपसे मुलाकात होगी हार्ट की अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा, तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.